रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जहां छत्तीसगढ़ में 86 सीटों पर चुनावी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, कांग्रेस ने सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी 46 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। बेमेतरा, बेलतरा, अंबिकापुर और कसूट सीट पर बीजेपी ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जबकि सूची जारी करने में बीजेपी कांग्रेस से आगे थी, लेकिन सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर अब कांग्रेस आगे हो गई है। रायपुर में राजीव भवन में चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने बैठक ली। करीब 5 घंटे चली बैठक में सैलजा ने विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के साथ में वर्चुअली मंथन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में सभी अध्यक्षों ने अपने जिला और विधानसभा के रिपोर्ट पेश किए, साथ ही आगे की रणनीति के लिए उनको टास्क भी दिया गया। टिकट नहीं मिलने पर दावेदारों की नाराजगी को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि ये सब स्वाभाविक है कि 2700-2800 के करीब आवेदन आएंगे तो उम्मीदें तो बढ़ेंगी ही। सभी पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के काम में सभी एकजुट रहे और अलग अलग परिस्थितियों में सबका नजरिया अलग होता है। पार्टी सभी को देखकर फैसला लेती है। चुनाव के समय सब कांग्रेस के साथ लग जाते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में बोनस को लेकर जारी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब बोनस आने के बाद अनोखा विरोध जताते हुए कर्मचारियों ने नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील नेताओं को अपने खाते से ऑनलाइन 1-1 रुपए भेजा है, जिसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा। सेल प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में 23,000 रुपए दिए हैं। इसका सभी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। ये देखकर दूसरी यूनिट में भी इसे लेकर के चर्चा हो रही है। वही बड़े संगठन के नेता इस मामले में खामोश हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि जब उनके बीच बोनस को लेकर समझौता हुआ ही नहीं है, तब कैसे ये रकम भेजी जा सकती है। बिलासपुर में मतदाताओं को जागरूक करने विशाल स्वीप साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण और एसपी संतोष कुमार सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वही जिला प्रशासन ने मेहंदी और पोस्टकार्ड लेखन प्रतियोगिता के लिए सबसे बड़े वोटर अभियान के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।